मैंने शुरू किया, मैं ही एंड कर रहा हूँ। वैसे जैसे सोन पापड़ी जो देता है उसी की आवाज आ जाती है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉम्स एंड व्लॉग्स। गाइज सुबह हो चुकी है, सारा काम भी हो चुका है, मैं नहा भी चुकी हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आज मैं ब्रेकफास्ट इसलिए बोल रही हूँ, आज मैंने जल्दी कर लिया था नाश्ता अपना, तो वो मैं ब्रंच नहीं बोलूंगी, ब्रेकफास्ट हो गया है। और कनिष को देखो कहाँ बैठा हुआ है भाई, इसको देखो बंदर को। बंदर तो नहीं मम्मी, आती कह चुका। गाइज ये देखिए मम्मी, थोड़ा सा नीचे करो, ये देखो कहाँ बैठा हूँ गाइज, यहाँ से ये देखो खुला खुला सा आसमान, यहाँ से मैं कपड़े भी निकाल सकता हूँ। अभी जस्ट मम्मी ने डाले, अभी मैंने जस्ट कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, कपड़े उपड़े धोए थे आज, तो इसीलिए। तो गाइज अभी मेरा लंच टाइम हो चुका है और अभी मैं अपने लंच में खा रहा हूँ वही रात की पालक पनीर। मैंने मम्मी को कह रहा था कि मेरी फेवरेट है, तो प्लीज सेव करके रख लेना, इसलिए मम्मी ने बचा ली। और साथ में तो रोटी है ही। हमने कल एक वीडियो शूट की थी जिसके अंदर हमने अपने घर में काफी सारी टाइप की मिठाइयाँ आई थी, तो उसके बारे में जो है हमने रिव्यू दिया था उस सबका। तो आप जो है जाके अभी चलिए मैं अपना लंच कर लेता हूँ और फिर तब तक आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी दिवाली आई थी, तो आप सबके घर पे भी काफी सारी मिठाइयां ही होगी, हमारे घर पे भी काफी सारी मिठाइयां ही है। देखिए कितनी सारी मिठाइयां हैं, ये रही मतलब इस वीडियो में बहुत सारी आई है, उसमें से तो हमने थोड़ा थोड़ा पिक किया है। तो हम इसको बताते हैं आगे का, इसमें हमने क्या किया है कि हम हर एक मिठाई जो है टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट मिठाई कौन सी है। ठीक है, फेवरेट तो हम दोनों की है इसमें, जैसे कुछ तो नहीं बोलूंगी मिठाई फेवरेट कुछ ऐसा है नहीं, बट अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। जैसे सोन पापड़ी मुझे पसंद है, फेवरेट नहीं है, फेवरेट तो मेरे बेसन के लड्डू हैं। हालांकि मिठाई में तो नहीं आते, वो तो लड्डू की कैटेगरी में आते हैं। मिठाई होती है बेसन के लड्डू, तो मीठी है, लेकिन मेरे बेसन के लड्डू फेवरेट है और सोन पापड़ी मुझे पसंद है और काजू कतली और ये सब तो आई, लेकिन ये अलग अलग कुछ मिठाइयां ही आई है इस बार। इसमें से हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कौन सी मिठाई है, कि इसमें हम आपको एक एक टेस्ट करके बताएंगे और बताएंगे कि ये कौन सी मिठाई। एंड इसमें से जो कुछ तो है हम जो खुद लाए थे, जो पूजा वूजा के लिए, और कुछ है कुछ गिफ्टेड गिफ्ट है, तो कुछ गिफ्टेड है, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ छोटे छोटे पीस लिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो भी है, जैसे ये पीस है, ये पीस, हमने कुछ पीस लिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पीस थे, इतनी सारा तो मीठा नहीं खाया जाता, लेकिन जो है हमने उसको कट पीस करके थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ले रखा है और उसमें हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कैसी है। और गाइस ये जो है मैं बच्चों की तरह कर रही हूँ। और गाइस ये जो है और भी थी, इतनी सी नहीं है गाइस, भरपूर थी, लेकिन हम खा चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करिश बताएगा कौन से स्टार्ट करे। मैं का ही कहते हैं ये वाले स्टार्ट करते हैं, ये वाली मैं आपको बता देती हूँ, शायद कनिष को नहीं पता होगा, ये है परमल की मिठाई। परमल के अंदर बीच में स्टफिंग है खोए की, तो अब हम खा के देखते हैं। यार मिठाई का वैसे मजा ना चम्मच से नहीं है खाने का, हाथ से मजा है खाने का। ये मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रख दिया था, बट अब इसको हम साइड में कर देते हैं और हाथ से खाते हैं। सबसे पहले परमल की मिठाई, चीनी है, सुन चीनी तो मिठाई मीठी होती तो चीनी से ही तो बनती होगी, लेकिन ये पता चल रही है चीनी खाते हुए। इसके ना थोड़े वो क्रंचीज आ रहे हैं इसके। ठीक है, अच्छी लग रही, ठीक है, नहीं अच्छी लग रही है, वो मैं अभी छोड़ूंगा बाद में। सेकंड नंबर की गाइस अब मैं बताऊंगी कौन सी खाएंगे, अब हम कौन सी टेस्ट करेंगे इसमें से, तू ही बता दे। बता दिया मम्मी का मतलब। सेकंड नंबर की हम ट्राई करेंगे घिया की मिठाई। मैं घिया की खाऊंगी क्योंकि मेरी टर्न है ना, इसे मैं बताऊंगी। ये घिया की मिठाई है गाइस, ये वाली, ये देख सकते हैं आप, इसके भी ये भी काफी बड़ी थी तो हमने छोटे छोटे पीस करके ले रखा है, तो इसको हम टेस्ट करके बता दें कि ये कैसी है। देखने में तो लग नहीं लगती है घिया की है, हाँ, बट इसमें जब तोड़ के इसमें थोड़ी ना लच्छेदार आ रहे हैं अंदर से। खाने में कैसी है? अच्छी है, खाने लायक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हम घिया खा रहे हैं क्योंकि तो मिठाई में कन्वर्ट हो गई है ना इसलिए, है ना। चलो ये इसको भी साइड में कर देता हूँ, मैं लास्ट में खाऊंगा सारी जो बची बची है।
अब मेरी टर्न है तो अब मैं चूज करूंगा नमी, आप पेश करो मैं कौन सी चूज करूंगा। मुझे पता तुम अपनी सोन पापड़ी। ना 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 गाइस, मैं पहले भी नहीं करने वाला था, मैं चूज करूंगा ये जिसके बारे में मम्मी बताई है, मुझे नहीं पता है। ये नीचे रख लो, मैंने दिखा पिंकिश। तो ये जो वाली मिठाई है पिंक वाली जो ये बोल रहा था, ये बनी हुई है खोए की, और ये खोए की ही बनी हुई है पूरी की पूरी। लेकिन इसके अंदर जो फ्लेवर है ना पिंक वाला, ये है रोज फ्लेवर। इसमें रोज का फ्लेवर आता है, जब हमने पहले भी इसे टेस्ट किया हुआ है, लेकिन अब दोबारा खा के देखते हैं कि कैसी है। अरे ये उससे ना, ये कोकोनट वाली तो नहीं है कहीं? नहीं, ये कोकोनट वाली नहीं, ये खोए की ही है। कोकोनट वाली भी देना एक और। इसमें हल्का हल्का कोकोनट का क्रंच आ रहा है, नहीं है थोड़ा हल्का हल्का, बट फैसे मेरे को लगता है ये खाई भी हो गया पहले। हमें रखते थे मम्मी, अब हम खाएंगे सोना। अरे यार जिसका ये बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब हम खाएंगे सोन पापड़ी। तो टेस्ट करें, टेस्ट कर लेते ठीक है। मैं इसका पूरा खाना चाहिए, सॉरी सॉरी। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सोन पापड़ी मैक्सिमम लोगों की फेवरेट नहीं होती है, वो ट्रैवल करती, क्योंकि है। वो ट्रैवल करती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ट्रैवल करती करती जिसने फर्स्ट ट्रैवल मतलब ट्रैवल के लिए उसको भेजा होता है उसी के पास ही वापस जाती है। ये शायद मीम सामने पड़े भी होंगे, चुटकुले भी पड़े होंगे, और शायद हो सकता है आप में से किसी के साथ ये हुआ भी होगा, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है, टेस्टी है खाने में। अरे मेरी तो अच्छी लगती है बहुत। मम्मी मम्मी मुझे भी अच्छी लगती है, बताओ। मुझे भी अच्छी लगती है, ये सबको कैसे पसंद होती है। आप लोग कहेंगे कैसे लोग हैं इनको पसंद नहीं है, तो ये सबकी पसंद होती है। आपको भी कुछ ना कुछ पसंद होगा, जो हमें नहीं पसंद होगा, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट है ये वाली, ये जो है ये है पेड़ा। ये पेड़ा है जो खोए से बना हुआ है, ये वाला, ये पीस हमने आधा आधा ले लिया था। हाँ हाँ बस छोटा है ना तो मैं ठीक है, चलो से टेस्ट करते हैं कैसा है ये खाने में। ये मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए। अच्छा है, बस बता दिया खोए का बना हुआ पेड़ा है। नेक्स्ट है ये, जिसको बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता ही देते हैं। ये है काजू कतली। नेक्स्ट मम्मी कमेंट्स तो कर दो इसमें, ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है। अब ये तो सभी की ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और अच्छी भी लगती है खाने में। अब ये मम्मी नेक्स्ट बताओ, आपकी बारी है। नेक्स्ट है ये जो है बर्फी है, ये बनी है मूंग दाल की बर्फी। ये हम दोनों की अलग अलग पेट है, हाँ, अलग मेरी अलग है। ये मूंग दाल की बर्फी है, लेकिन मूंग दाल की बर्फी में इसमें थोड़ा सा कोकोनट का क्रंच आ रहा है, कोकोनट क्रंच है इसे। टेस्ट करें, चलो। अमेजिंग, ये खा के ऐसा लग रहा है जैसे बूंदी का लड्डू खा रहे हैं, मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं। ओह, मूंग की दाल का हलवा और इसका टेस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन बहुत टेस्टी है, उससे भी ज्यादा टेस्टी है। है? इसको तो मैं सारे ही खा जाऊंगी। मैं ज्यादातर खाता नहीं हूँ मूंग की दाल का हलवा, बहुत टेस्टी है, ज्यादातर गाजर का हलवा ही खाता हूँ। ओके सो गाइस, अब हमारी बस एक लास्ट मिठाई बची है और मेरी टर्न है। मैंने शुरू किया था ना, मैंने किया था, मैं ही एंड कर रहा हूँ। वैसे जैसे सोन पापड़ी जो देता है उसी के पास आ जाती है। तो ये है जो लास्ट का पीस बचा है हमारे पास, वो है ये कोकोनट बर्फी। ये कोकोनट वाला बात है, ये आई है हमारे पास कोकोनट वाली बर्फी। चलो ट्राई करें। नॉट बैड, नॉट बैड, मैं भी नॉट बैड ही कहूंगा, क्योंकि ये टेस्ट सो सो है, खाने लायक है, ऐसे ही कहूंगा मैं तो उसको। ये ओवरऑल हमने सारी मिठाइयों का जो टेस्ट आपको बता दिया, किससे बनी हुई है, कैसी है, खाने में बहुत अच्छी है, सारी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मुझे सब में अच्छी लगी, तुझे कौन सी अच्छी लगी सब में? सारा तुमने आज टेस्ट किया तो बता, तुम्हें सब में अच्छी कौन सी लगी? मुझे मतलब सोन पापड़ी को छोड़ के, मुझे पता है तुझे वो पसंद है, और मेरी काजू कतली मुझे पसंद, मुझे है। उस सब को छोड़ के मुझे ये अच्छा लगा पेड़ा है। और मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी बर्फी लगी थी, वो थी मूंग दाल की बर्फी।
वो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग थी, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी थी, मजा आ गया खा के। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। वी होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये क्या हरकतें कर रहा है? अरे कुछ नहीं, नॉर्मल खड़ा हो जा। वी होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और हमारा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 बाय। मम्मी क्या कर रखा है आपने, ये सार में चम्मच क्यों रही थी? मिठाइयाँ खा रहे हैं हम, मिठाइयों ऐसे खाते हैं, ऐसे चम्मच से कहाँ से खाते हैं? तो क्या होगा, खा ले। मुझे नहीं खाना।